कृषि मंत्री कमल पटेल के निवास पर किसानों सहित कई किसान नेता उन्हें मूंग के समर्थन मूल्य पर खरीदे जाने के निर्णय के लिए बधाई देने के लिए पहुंचे। इस मौके पर कमल पटेल ने कहा, कांग्रेस नेताओं को तो किसानों के मसले पर बात करने का नैतिक अधिकार भी नहीं है। भारतीय जनता किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष दर्शन सिंह चौधरी ने किसानों के साथ कृषि मंत्री कमल पटेल के निवास पर पहुंचकर आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर प्रदेश किसान मोर्चा के अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश में एक के बाद एक किसानों के हित में निर्णय लिए जा रहे हैं। पहले चना, सरसों, मसूर की खरीदी समर्थन मूल्य पर की गई, जिससे किसानों को 10,000 करोड़ का फायदा हुआ। अब कृषि मंत्री ने मूंग की फसल के लिए न सिर्फ तवा डैम के पानी के लिए निर्णय करवाया, बल्कि मूंग की फसल को समर्थन मूल्य पर खरीदे जाने का ऐतिहासिक निर्णय भी करवाया। यही नहीं, मंत्री कमल पटेल नकली खाद बीज के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी ने अपने निजी टीम को लगाकर और शासन प्रशासन से, क्योंकि किसी भी प्रकार का घपला ना होने पाए, और बहुत दबाव बनाकर नकली खाद बीज बेचने वालों पर न केवल पकड़वाया है, बल्कि कठोर कार्रवाई करवाने का काम यदि किसी ने किया है तो माननीय कमल पटेल साहब ने किया है। ये निश्चित ही हम सबके लिए और मध्य प्रदेश के माटी पुत्र लगातार किसान समाज की सेवा में, और जब से किसान समाज के आप बने हैं तो कई क्रांतिकारी परिवर्तन हमको दिखाई दे रहे हैं। तिथि बढ़ाई गई है, 15 तारीख उसकी तिथि कर दी गई है, और चने में, मसूर में और सरसों में क्रांतिकारी निर्णय जिस समय लिया था, आप देखेंगे कि पूरे प्रदेश में हजारों करोड़ रुपया और 10,000 करोड़ से ऊपर सीधे सीधे प्रत्यक्ष किसानों को दिलाने का यदि किसी ने काम किया है तो माननीय कमल पटेल साहब ने किया है। इस अवसर पर मंत्री कमल पटेल ने कहा कि जीतू पटवारी और कमलनाथ को किसानों के बारे में बात करने का नैतिक अधिकार ही नहीं है। जिन लोगों ने किसानों के साथ कदम कदम पर केवल धोखा ही दिया हो, कभी कर्ज माफी के नाम पर, कभी MSP के नाम पर, वो किसानों का मुद्दा क्या समझेंगे? जिन्हें चना, मसूर, सरसों के प्रति हेक्टेयर उत्पादन की समझ नहीं, वो किसानों की बात ना करें तो ही बेहतर होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मध्य प्रदेश के गांव गरीब और किसानों के मसीहा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में हमने किसानों के हित में अनेक निर्णय लिए। इन एक सवा साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शिवराज जी के नेतृत्व में किसानों की आय दोगुना करने में प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प उसको पूरा किया है। प्रधानमंत्री जी ने 2022 तक का संकल्प लिया, लेकिन मुझे बताते हुए संतोष और गर्व है कि शिवराज जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में हमने 2021 में ही पूरा कर दिया। कल माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करके किसान का मूंग खरीदने का जो निर्णय उन्होंने आशीर्वाद दिया और घोषणा की कि 8 जून से मूंग की पंजीयन शुरू होगा और 15 जून से इसकी खराई तुलाई शुरू हो जाएगी। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।